afternoon, everyone. Hi, hello. First and foremost, a huge congratulations and a huge token of appreciation for Sir Yu and the Maharashtra Police Pollution Control Board, and also to you, sir, because this initiative, I think, is something very close to both mine and Varun's heart, and is to every Indian's heart also. ये बहुत अच्छी चीज़ें आप लोग जो कर रहे हैं, इको फ्रेंडली गणेश. हम लोग ने इसके बारे में काफ़ी बार बात करी है. आई एम श्योर हम सब लोग बहुत रिस्पॉन्सिबली फील करते हैं इस चीज़ के बारे में, एंड हमारा ये एनवायरनमेंट है, हम ही को उसका देख रेख करनी है, जिससे आगे जाके हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनको उससे मदद मिले. तो ऑफकोर्स गणपति सब लोग धूमधाम से मनाएँ और बहुत मज़े से मनाएँ, बट केयरफुली भी मनाएँ एंड एनवायरनमेंट को ध्यान रख के मनाएँ, तो आई थिंक सब लोगों के लिए अच्छा होगा. सो huge congratulations, sir. Yes, we are here also to talk about Suidhaga, but I think Varun talks the best about Suidhaga. So Varun will enlighten us. Bolo Varun, bolo. पहले तो कैसा है तुम्ही? बड़ा है. ये cause जो है actually बहुत बड़ा cause है हम सबके लिए. तो हम लोग फिल्म प्रमोशंस के लिए बहुत जगह जाते हैं, बट ये जो कॉज है ये किसी भी फिल्म से बड़ी है, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी है. जब मैं, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ पे, मैं खाली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. जब मैं स्कूल में था ना, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, एंड वी वुड रीड ऑल अबाउट हाउ वी डैमेज आर इन्वायरमेंट ऑल द टाइम. एंड आज आके यहाँ पे आई फेल्ट वेरी गुड. आई फेल्ट लाइक आई एम पार्ट ऑफ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री ऑल्सो. हमारे जो संजय सर है PRO से, आई थिंक द काइंड ऑफ वर्क इन्होंने जो 10 साल से किया है, देयर इज अ ट्री गणपति ही जस्ट टोल्ड मी, जो सीड्स से बनाते हैं और इमर्शन के पहले वो लोग उस पर पानी डालते हैं, एक छोटा पेड़ भी उगता है उससे. सो इट्स गुड फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो, हम लोग एक तरीके से. They've made so many गणपतिज, but जब चेंज आना पड़ता है हमारे सोसाइटी में, जब परिवर्तन आता है वो सोसाइटी से आता है, मतलब हम सब लोगों से आता है, जो हम लोग सब यहाँ है, यू नो. तो मनोरंजन तो होना चाहिए. तो जितने भी मम्मी डैडी अंकल आंटी बच्चे सब सुन रहे हैं, एक चीज़ खाली एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है. बस हम लोग को इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है. मौज मस्ती, एंड आई एम द फर्स्ट वन टू हैव फन, आई लव हैविंग फन. मेरा जो घर है वो जू बीच के सामने, सो नोबडी अंडरस्टैंड गणपति बेटर देन मी. मेरे हर पिक्चर में गणपति होता है, चाहे वो मैं तेरा हीरो हो, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो जुड़वा 2 हो. आई लव बप्पा. हर साल मैं गणपति बहुत फेस्टिविटी से बनाता हूँ, और कई बार मैंने भी, मतलब जो नॉर्मल आइडल्स है वो मैंने भी इमर्स किया है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट. आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू मदर नेचर फॉर दैट. बट नाउ, अब जब मुझे नॉलेज है, हर साल इको फ्रेंडली गणपति सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, और हम सबको करना चाहिए. तो क्या ये साल आप लोग इको फ्रेंडली गणपति अपनाएंगे? इट्स ओनली गुड फॉर द एनवायरनमेंट. भारत के लिए अच्छा होगा, आप लोग के लिए अच्छा होगा, हम सब के लिए अच्छा होगा. तो सब लोग मेरे साथ कहिए, सब बढ़िया है. थैंक यू सो मच. अभी सुई धागा की बात करें तो, मतलब मैं जो पहन रहा हूं ये भी सुई धागा से ही बना हुआ है, हम सब जो पहन रहे हैं. तो फिल्म की प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है. जो कपड़े, जो वस्त्र आप सब पहन रहे हैं, उससे फिल्म की प्रमोशन हो रही है, क्योंकि आप ने जो पहना है वो सुई धागा से ही बना है. नहीं, आप वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर कैरेक्टर, मौजी का जो कैरेक्टर है. और ये भी पता चला था आपके ऑनलाइन वीडियो से, दैट यू वेंट टू अ बार्बर स्टोर, लाइक अ वेरी लोकल बार्बर, भारत बार्बर स्टोर, जू में ही है वो, और बाल कटवाने गए. एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे सर. बस आई थिंक मौजी का जो कैरेक्टर है बहुत ही हसमुख, बहुत ही खुश कैरेक्टर है, बिल्कुल कॉमन मैन का कैरेक्टर है. वो अपने फैमिली के लिए एक हीरो बनना चाहता है, बट जो जिंदगी के दिक्कतें हैं वो उसे रोक देती है उसके वजह से, बट बहुत कोशिश करता है. एंड देन इवेंचुअली द फिल्म इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. देयर इज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी है, कॉमेडी बहुत है फिल्म में, बहुत कुछ है. मौजी किसी भी हद तक जा सकता है अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए. तो इस पिक्चर में मैं पहली बार एक कुत्ता भी बनाऊँ, जेन्यूनली मैंने एक कुत्ता भी बनाऊँ. और बहुत बार जब रात को मैं जब जाता हूँ शूटिंग से, तो मैंने बहुत सारे कुत्तों को ऑब्जर्व किया है, एंड आई सी हाउ दे बॉडी लैंग्वेज, दे बार्क बिहाइंड द कार. तो मैंने ट्राई किया है कि वो किरदार मौजी का बहुत ही ईमानदारी से करूँ मैं. क्यों पाजी, सब ठीक लग रहा है? आप उधर से टेप कर रहे हो, सब चंगा लग रहा है पाजी? इज हैप्पी. सो आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन अनुष्का, सिंस वरुण स्पोक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. And you're an entrepreneur yourself. So how does it feel to be a part of a movie that is
that promotes self-reliance and homeland entrepreneurship? I think इतनी amazing बात है क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ पे इतने सारे लोगों के हमें देखा है जो experiences हुए हैं जितने सारे startups शुरू हुए हैं इंडिया में. So I think entrepreneurship is a big deal over here and it's celebrated also in a huge way. बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे हमने देखी हैं हुई हैं वो made in India हुई हैं, यहीं से निकल के आई हैं. And I think हमारी फिल्म उसी को celebrate कर रही है. हमारे characters के पास opportunity इतनी ज़्यादा नहीं थी but talent बहुत ज़्यादा था. और इनका जो स्ट्रगल है, जो जिस स्ट्रगल को उन्होंने ओवरकम किया उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, वो ट्रूली एक ह्यूमन स्टोरी है और हर इंसान इसके साथ कनेक्ट कर पाएगा क्योंकि स्ट्रगल तो सबने देखा है, अपने सबने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रकार का स्ट्रगल देखा है. और जब आप इनकी कहानी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, हमारी फैमिली में भी जब लाइक एक बंदा स्ट्रगल कर रहा था तो फैमिली में कैसे क्या क्या इश्यूज़ हो जाते थे, ये सब कुछ सब लोग उसके साथ रिलेट कर पाएंगे. सब लोग इनके पेरेंट्स को देखेंगे, अरे हाँ मेरी मम्मी पापा भी ऐसे ही हैं, अरे यार मेरी वाइफ भी ऐसी है. लाइक सबको ऐसी फीलिंग आएगी जब इस पिक्चर को देखेंगे. सो आई थिंक ये फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर है एंड खूब मज़ेदार फिल्म है. इमोशनल भी है लेकिन साथ में मज़ा लाइक हंसी मजाक भी बहुत है और एक मैसेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है फिल्म का. सो आई थिंक काफ़ी इन्जॉयबल और वेल पैकेज फिल्म है.